नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफों का सामना कर लिया और रोने के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी नादानी आपको ले डूब सकती है, तो आने वाले 7 दिनों में आपको अपने जीवन में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और दोस्तों, आने वाले दिन आपके जीवन में नई खुशियां एवं नई नई ऊर्जाएं को लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में ऐसे बदलाव होने वाले हैं कि दोस्तों, जिसके द्वारा आपका जीवन ही पूरा बदल जाएगा। यूँ कहें तो आपका जीवन में ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं, ऐसी शुभ स्थितियों का निर्माण होने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर पर बनाई गई है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम जय शिव शंकर ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको जीवन में बढ़ाने के लिए आगे भगवान आपको कई ऐसी चुनौतियां दे देते हैं, ऐसे रास्ते दिखा देते हैं जिन्हें आप चलते हैं उस रास्ते पर तो आपको बहुत ही जल्दी कामयाबी मिल जाती है। और दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से व्यतीत होने लगती है। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियों के कारण आपकी ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे काम एवं कुछ ऐसे कांड कर देते हैं जिसकी वजह से आपको सफलता मिलने के बाद में भी आपको असफलता मिल जाती है। और दोस्तों, सफलता आपके हाथों से बहुत जल्दी निकल जाती है और भगवान की कृपा आपकी ओर से हट जाती है। तो दोस्तों, आपको कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखना है जो आपको अपने जीवन में ऐसी गलतियां होने पे ना दोहराएं। और दोस्तों, आखिर क्या आपका ज़िंदगी इसी तरह चलने वाली है? आपको बता दें कि भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक आपको श्री कृष्ण का अच्छा ज्ञान बता देते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बता देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सुंदरता, जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता है? ऐसा क्या हो जाता है कि उसी घर में शरीर पर नमक रख कर उसे जला दिया जाता है? और दोस्तों, जिस शरीर को लोग सुंदर मानते हैं, ज़रा सा उसकी चमड़ी तो उधाड़ कर देख लीजिए, तब दोस्तों हकीकत नज़र आ जाएगी कि भीतर क्या छुपा है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है, फिर यह शरीर सुंदर कैसे हो सकता है? शरीर में कोई सुंदरता तो है ही नहीं। सुंदर होती है व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के गुण और उसका आचरण, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और दोस्तों उसका चरित्र, जिसके बिना यह जीवन, वही मनुष्य जीवन में सबसे सुंदर इंसान बन सकता है, इसके बिना उसका जीवन अर्थहीन होता है और दोस्तों ज़माना भी उसी का दीवाना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो और समझ में आई हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में आने वाले अगले 7 दिनों में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खासकर माता पिता और दादी दादी वर्ग के साथ में बातचीत करते समय कूटनीतिज्ञ बनेगा। दोस्तों, खाली समय का मजा लें लेकिन जोखिम भरित धन व्यवसाय से बचें। दोस्तों, बात करते हैं कि जुआ, व्यवसाय आदि बात करते हुए आपको अपनी रचनात्मकता को आध्यात्मिक साइड दिखाना चाहिए, मन की बात का पालन करना चाहिए। आपके ग्रह ये दर्शा रहे हैं कि आज आप अपने परिवार से मिलन हो सकता है। दोस्तों, सोच समझकर किसी निजी और व्यवसायिक काम को आपको शुरू करना है। समय काफ़ी अच्छा बनेगा और आप तनाव से बच सकते हैं। किसी प्रिय से बात हो सकती है और जिसकी आप चाहत रखते हैं वे आपको आज मिल सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों, आपको जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता प्रदान करेगा। आप प्रेरणा से भरे हुए हैं और काफ़ी उत्साह में भी हैं। आपकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। आपका दिमाग काफ़ी सक्रिय और तेज़ है, इसमें नए नए और नीतियाँ आती जाती रहती हैं। आज का दिन आपके लिए काफ़ी ऊंचाइयों से भरा रहेगा। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आज काफ़ी आपके लिए फलदायक समय है। अगर आप किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो सफल भी होंगे उसमें, और घर में नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव हो सकती है। प्रश्नों के जवाब दोस्तों आपको समय के साथ ही प्राप्त होने वाले हैं। अभी के समय में
आपका जिन बातों में बदलाव नहीं आ रहा हो उन्हें वैसा ही छोड़ दीजिए। जिन बातों की वजह से तकलीफ हो रही हो आपको, उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, जब तक आप मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार ना हो तो आप किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करने से दूर रहें। और दोस्तों, तब तक इन बातों को आपको प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। करियर से संबंधित काफ़ी बड़ा बदलाव आपको जल्दी नज़र आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको बात करें आपके पुराने आइडियाज़ के बारे में तो उस पर काम किया जा सकता है। लव रिलेशनशिप बातों में किसी भी प्रकार का दोस्तों बदलाव नहीं दिखने वाला है, लेकिन आपको इस समय काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। मसालेदार खाना खाने की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। स्वास्थ्य की बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और आपके अच्छे स्वास्थ्य के चलते हुए आज आप अपने दोस्तों के साथ में बाहर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। दिन की शुरुआत की बात करें तो आज आपको कोई आर्थिक हानि हो सकती है, इसलिए पैसा सोच समझकर खर्च करें। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है जो आपके तनाव का कारण भी बन सकता है। आज आप अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह से खेल सकता है। आपके घर के अगर करीबी व्यक्ति की बात करें तो वह आपके साथ में वक्त बिताने की बात कह सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आपके पास में अपने परिवार जनों के लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके परिवार जनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आपको उनकी बातों का थोड़ा बुरा लग सकता है। आपको खुश रहने के लिए आपका जीवन साथी काफ़ी कोशिशें कर सकता है और वह आपके साथ में हमेशा रह सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य में हुई गड़बड़ी को नज़रअंदाज करने की बिल्कुल भी भूल ना करें, इससे तनाव बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टरी सलाह आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको सावधानियां भी रखनी होगी। मन मुताबिक काम आपके ना बनने के कारण आप काफ़ी विफलित रह सकते हैं। अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, यूं कहें तो कुछ खर्चे अचानक से सामने आएंगे। अगर आप कोई नया निर्णय लेने चाहते हैं और उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको अपने वरिष्ठ व्यक्ति या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेना फ़ायदेमंद रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, निश्चित ही इसका हल निकल जाएगा। बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में और पारिवारिक संबंधों में। दोस्तों, आपके जीवन में काफ़ी मधुरता आने वाली है। प्रेम संबंधों में तालमेल बैठा रहेगा और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए ईमानदार रहिएगा। जीवन में दोस्तों बदलाव भी आ सकता है। ये परिवर्तन आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों, कोई खास आपके दिल के दरवाजे पर आने वाला है और आप अपने साथी के साथ में काफ़ी रोमांटिक और अच्छे पलों को बिता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपके पिता और आपके संतान का दोनों का स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है और आपके ये चिंता का विषय बन सकता है। ग्रह के अनुसार अगर बात करें तो आज आप अपने पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ में मेल झोल काफ़ी बढ़ा सकते हैं। आज आप अपने चाहने वाले के साथ में घर एक क्षण का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, व्यावसायिक संबंधित किसी भी नैतिक काम में रुचि बिल्कुल भी ना लें। फाइनेंस संबंधित मामलों में कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इन मामलों को लेकर के आपको काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को बात करें, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके बारे में भी, यानी कि बेरोजगार लोगों के बारे में, आज नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए दिन काफ़ी सुखद रहने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफ़ी फायदा होने के आसार दिख रहे हैं। वहीं सरकारी नौकरी करने वालों के लिए नई वैकेंसी आज आ सकती हैं। दोस्तों, आपके कार्य में अतिरिक्त कार्यभार रह सकता है। बात कर लेते हैं आपकी सेहत के बारे में। गैस की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। खान पान थोड़ा व्यवस्थित रखें। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक आपको सेवन करना चाहिए। आज आप अपने वर्तमान जीवन शैली के साथ में स्वास्थ्य जोखिम के बारे में काफ़ी जागरूक हो सकते हैं और इसमें दोस्तों सुधार के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए। कुछ कारणों से दोस्तों, आप किसी स्वास्थ्य संबंधित जाँच भी करवानी हो और दोस्तों इससे आप संभावित खर्चे के प्रति सावधान हो सकते हैं। आप पहले भी कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं। दोस्तों, आज आपका भाग्य 75% आपका साथ देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के उपाय के बारे में। आज आप हनुमान जी के समक्ष जाकर के लाल बत्ती से घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी की आरती के साथ साथ सर्वप्रथम आपको गणेश जी की आरती करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रोज की राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।